हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे ट्राई कलर कपकेक्स। कपकेक बनाना तो बहुत ही आसान है और ट्राई कलर कप डेकोरेशन के लिए, गार्निशिंग के लिए मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ड्राइड क्रैनबेरीज यूज़ कर रही हूँ। आप इसका जगह से आप चॉप्ड नट्स भी ले सकते हैं और चाहे तो चेरीज़ भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने कोई केक डेकोरेशन के लिए क्रीम यूज़ नहीं करेंगे तो इसको कलर दिखाई नहीं देंगे। तो इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल है इसलिए मैंने ट्राई कलर के गमला बनाया। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग बोल लिया, मिक्सिंग बोल में मैंने एक कप मैदा लिया। इसका साथ हम मतलब बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा बिल्कुल मत डालिए। बेकिंग पाउडर 1/3 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। तो इन दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसको छान भी ले सकते हैं तो उसमें भी और भी अच्छा बनेगा केक। मैंने कार्ड लिया 2 टेबल स्पून। कार्ड को नॉर्मल टेम्परेचर में रख के लेना, बिल्कुल ठंडा नहीं लेना। वैनिला एसेंस ले रही हूँ मैंने 1/2 टीस्पून। इसको बाद मैंने विनीगर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। विनीगर ऐड करने से हमारा जो बेकिंग पाउडर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं जल्दी। इसका बाद मैंने ले रही हूँ मिल्क, जो मैंने 2 टेबल स्पून का शुगर का साथ बॉईल करके ठंडा करके लिया। और इसका बाद 1 टेबल स्पून मैंने कॉन्डेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। कॉन्डेंस मिल्क ऐड करें तो केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाते हैं। अब ज़रूर यूज़ कीजिए। मैंने तो एक यूज़ नहीं कर रही हूँ, एक ग्लेस केक है इसलिए मैंने कॉन्डेंस मिल्क यूज़ किया। इस जगह पे आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर बनाना है, बिल्कुल लम्स नहीं रहे। इसी हिसाब से आप बनाइए। अब देखिए हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। अभी इसमें हम लोग 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। इस जगह पे आप बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर डालने से केक उतना मॉइस्ट नहीं होती है और फ्रिज में रखने से बहुत ड्राई हो जाती है, तो इसलिए मैंने ऑयल मिक्स किया। अब देखिए हमें अभी बैटर रेडी हो गया। हम लोग इसको 3 इक्वल पोर्शन में हम लोग अलग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हम लोग इसमें कलर ऐड करेंगे। मैंने नेचुरल फूड कलर लिया, जैसे लिक्विड फूड कलर। आपका पास जो भी है पाउडर कलर है तो भी ऐड कीजिए, और ऐसा जेल कलर है वो भी ऐड कीजिए। लेकिन कलर का क्वांटिटी आप क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके मिक्स कीजिए। कोई कोई कलर इतना ज़्यादा डार्क हो जाए था तो उसमें ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए हमारा ग्रीन कलर अभी रेडी हो गई। अभी इसमें हम लोग एक पाइपिंग बैग लेंगे। डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग लिया मैंने। पाइपिंग बैग का अंदर हम लोग इसको ग्रीन कलर को डालेंगे। अब देखिए ऐसा ग्रीन कलर को डाल के हम लोग इसको ओपन साइड को क्लोज कर देंगे। आप चाहे तो नॉट भी बन सकते हैं, और मैंने एक रबर बैंड का सहायता से इसको अच्छा से टाइट कर दिया। टाइट करके इसको हम लोग साइड में रखेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम लोग साइड में रखेंगे। आप पाइपिंग बैग के वजह से जो घर में नहीं है अवेलेबल, तो आप मिल्क पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा करके। अभी सेकेंड पोर्शन को मैंने लिया, उसको भी हम लोग ऑरेंज कलर मिक्स करेंगे। अब देखिए ऑरेंज फूड कलर लिया मैंने। उसमें आपको जितना कलर चाहिए उसी हिसाब से आपको ऐड करने हैं। अब जितना डार्क कलर पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप ऐड कीजिए। तो इसको तो डिपेंड करते हैं कलर का क्वालिटी के ऊपर। मैंने जितना चाहे मैंने उतना ही लिया। देखिए मिक्स करके इतना एक अच्छा सा बैटर बनाया। अब देखिए अभी इसको भी एक पाइपिंग बैग में मैंने भरेंगे। पाइपिंग बैग भर के इसको साइड में रख देंगे, और इसको ओपन साइड में ज़रूर क्लोज कर देना। तो उसमें आपको रखने के साइड में जब रखेंगे तो बहुत ईजी होंगे हैंडल करना, तो मैंने ऐसा ही किया। अब देखिए ऐसा इसको आप इसका जगह कोई भी पैकेट्स पॉलीथीन कुछ भी ले सकते हैं। आप पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं है तो आप ले सकते हैं। अब देखिए मैंने वाइट कलर भी ऐसा ही पाइपिंग बैग में डाल के उसको भी ऐसा नॉट बन के मैं साइड में रखती हूँ। तो तीनों बैटर हमारा रेडी है। अभी मैंने पेपर कप्स लिया। आप चाहे तो सेरामिक कप्स भी ले सकते हैं। आप जैसे बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपका कप का साइज अकॉर्डिंग आप लीजिए। मैंने इसको पहले ग्रीन फिल करेंगे। 1 इंच तक ऐसा ग्रीन कलर मैंने फिल करूँगी चारों कप के। अब देखिए
साइड में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, जितना क्लियर करेंगे ऐसा ही आपको केक बेक होने व केक बेक करने के बाद कलर भी उतना ही अच्छा देखेंगे। इसके बाद मैंने व्हाइट कलर ऐड करेंगे, व्हाइट कलर का बैटर जो है उसको सेकेंड लेयर में ऐड करेंगे। आप देखिए बिल्कुल ऐसा अच्छा से आहिस्ता आहिस्ता कीजिए जैसे मिक्स ना हो जाए, जरूर बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे। मैंने ऐसा ही बनाई है, आप देखिए ऊपर से थोड़ा सा व्हाइट कलर ऐसा सेम लेंथ इंच में जितना ग्रीन कलर डाला उतना ही आप व्हाइट कलर डालिए तो देखने में बहुत ही सुंदर होंगे। इसके बाद मैंने थर्ड लेयर को ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, आप देखिए ऑरेंज कलर भी ऐसा सेम करके आप डालिए। आप बेक करने के बाद आप देखिए बिल्कुल बहुत ही क्लियर थ्री कलर्स आ जाएंगे, अब देखिए। और इसका ज़्यादा हिलाना नहीं है, ज़्यादा हिलाने से कलर मिक्स होता है। अभी ये रेडी है बेक के लिए, बेक करने के हमें माइक्रोवेव में सिर्फ 1 to 2 मिनट्स, ज़्यादा नहीं करना है इसको। माइक्रोवेव में जिसमें हम लोग कुछ गर्म करते हैं उसी मोड में ही चलाना है, बेकिंग मोड नहीं चाहिए इसमें। ये जल्दी से ही बेक हो जाते हैं, अब देखिए हमारा केक बेक हो गई। अब इसको हम लोग डीमोल्ड करेंगे, अभी डीमोल्ड कर लीजिए आप, ऐसे बहुत जल्दी से हो जाते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेरामिक कप में करेंगे तो और भी टेस्टी बनती है। अब देखिए इसको हम लोग काट के दिखाती हूँ कितना अच्छा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बन गई केक, यामी केक। आप कोई भी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी है। घर में बना हुआ कोई भी चीज़ तो बहुत ही हेल्दी बनती है। तो आप देखिए इतना अच्छा केक आप घर में कोई भी टाइम पर बना के